अकाउंटेबिलिटी एलिमेंट बायोसेफ्टी ऑफिसर पर बायो सेफ्टी से रिलेटेड कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं उनको हम आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे फर्स्ट वन इज हाउ वी कैन डिफाइन द मटीरियल वेन वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटीरियल इन द ऑर्गेनाइजेशन सो इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन द मटीरियल it is better to describe uh, first give the proper name of the agent or the strain and then there must be description related to the hazardous agent or the pathogenic strains that we are going to use in the lab. इन्फेक्शियस एजेंट की क्वांटिटी प्रेजेंट करनी है तो इट शुड बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एम और माइक्रोलीटर्स। इट शुड नॉट बी द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अलावा मटेरियल कंट्रोल में हम प्रोसीजरल कंट्रोल रखते हैं देन देय शुड बी फिजिकल मेयर्स एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स नॉलेज लुक एट द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रिगार्डिंग हेजरटस एजेंट्स बायो सेफ्टी ऑफिसर लैब वर्कर के एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा देते हैं कि उन्होंने इन्वेंट्री को चेक करना है ताकि सेमी एनुअली इन्वेंट्री की इंस्पेक्शन uh, हो सके इसके अलावा लैब वर्कर ने जैसे ही इन्वेंट्री की इंस्पेक्शन की वो एक रिपोर्ट तैयार करेगा फॉर द बायो सेफ्टी ऑफिसर इसके अलावा जब इन्वेंट्री में कोई न्यू केमिकल एंटर हो आपने केमिकल का नाम और डेट और टाइम मेंशन करनी है ताकि हम इन्वेंट्री को अपडेट भी कर सकें इट कैन बी डन इलेक्ट्रॉनिकली और इट कैन बी डन मैनुअली नाउ नंबर ऑफ एजेंट्स दैट आर द इन्वायरमेंट दे रिक्वायर्ड अप्रूव्ड प्रोटोकॉल उन एजेंट्स को रिसीव करने से पहले आपने अप्रूव्ड प्रोटोकॉल को भी देखना है और फिर रिपोर्ट तैयार करनी है टली यूज इन द लैब यू कैन सेंड दे अदर लैब ताकि दूसरी लैब में उसका इस्तेमाल किया जा सके लेकिन एक लैब से दूसरी लैब में शिफ्ट करने के लिए भी लैब सुपरवाइजर से परमिशन लेनी चाहिए इसके अलावा कुछ हेजरटस एजेंट्स या केमिकल्स या कॉम्प्रेस्ड केसेस प्रॉपर स्टोर में स्टोर होने चाहिए ताकि उन्हें बिल्डिंग के बाकी एरिया से अलहदा रखा जा सके नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अकाउंटेबिलिटी दैट पर्सन हु वर्क विद पैथोजेंस एंड टॉक्सिंस देयर शुड बी वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द मटीरियल एंड पीपल इसके अलावा वर्कर्स पूरा रिकॉर्ड मैनुअली तैयार करें और इलेक्ट्रॉनिकली के केमिकल्स एजेंट्स लैब uh, में कब आए इसके अलावा अगर किसी केमिकल की एक्सपायरी डेट हो गई है इट शुड बी मैंशन बाय द वर्कर हु इज असाइन फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इन्वेंट्री इसके अलावा स्टोर का ऑडिट हर साल होना चाहिए ताकि हम चीजों के बारे में uh, पता चला सकें कि कौन सी चीज कब एंटर हुई क्या उसका लैब में इस्तेमाल हो रहा है या वो एजेंट एक्सपायर हो गया है